हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉम एग्जाम। और मैं लूप सोचा तो इसमें प्रॉब्लम है वो बजिंग की है, जैसा ये बज कर रहा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये प्रॉब्लम है वो नेक बेंड की होती है। ये मतलब मेन फैक्टर जो उसका होता है हल्का सा बेंडिंग या फिर सीजन भी हो सकता है। सो जब आप यहाँ पे एक्शन, जब भी आप इस गिटार का देखेंगे तो ये हमेशा, जब ये स्ट्रिंग जो है, अगर हम इसको स्ट्रोक कर रहे हैं सिक्स स्ट्रिंग को या फिफ्थ स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग आपकी बज हो रही है वो मल्टीपल फ्रेट पे टच हो रही होती है, तो इस वजह से हमारी जो होती है वो बजिंग आती है साउंड। सो जो प्रॉब्लम ये ठीक करने के लिए हमें जो टूल चाहिए होता है वो होती है ये एलन की। सो ये एलन की आपको कहाँ से मिलेगी? ये हार्डवेयर पर मिलेगी, अदरवाइज आप इसको एलन की ऑर्डर भी कर सकते हैं। एंड जो इसका की, कोई भी इम्पोर्टेड गिटार है जिसमें ट्रस्ट रॉड अवेलेबल है, आप उससे इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक होल आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से आपको ठीक करना है। उसके लिए हम इस स्ट्रिंग्स सारी, इसकी जो गिटार की स्ट्रिंग्स है उसको लूज कर लेंगे पहले। एंड सारी स्ट्रिंग्स लूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो की है, की को हमेशा जो ये छोटी वाली साइड होती है इसकी, यहाँ से हम इस होल में डालेंगे एंड इसको हम हमेशा ऐसे डाल के, एंड इसके दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। या तो हम इसको नीचे डाउन ई स्ट्रिंग की तरफ, जो ई स्ट्रिंग हाई ई होती है हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग की तरफ, इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इस की को सिक्स स्ट्रिंग की तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये गिटार में जो थी हमारी बजिंग की प्रॉब्लम थी, तो जो बजिंग की प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली स्ट्रिंग्स के टच होने से होती है, कि दूसरे फ्रेट पे वो टच हो रही है, तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है बजिंग की आती है। तो टच होने का मतलब ये है कि जो एक्शन है हमारा, जो स्ट्रिंग एंड फ्रेट बोर्ड के बीच में जो गैप है वो कम हो गया है, तो हमें उस गैप को बढ़ाना है। तो उस गैप को बढ़ाने के लिए, और आप एक्शन कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी जो जो ये वीडियो है वो आई बटन पे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपके गिटार में एक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो पे जाके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस गिटार के एक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। सो एक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इस की को सिक्स, जो हमारी लो स्ट्रिंग होती है उसकी तरफ घुमाना होता है, ठीक है। एक बार घुमाया एंड हल्का सा, और दूसरी बार भी घुमा देंगे। तो दो बार घुमा के, बस दो बार मेरे ख्याल से इनफ होगा, हम दो बार घुमा के इस एलन की को यहां से निकाल लेंगे। एंड इसके बाद अगर फिर भी आपकी अगर बजिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो आपको एक बार और करके इसको लेफ्ट साइड घुमा के एंड फिर एक बार और आपको चेक करना होगा। तो आपको तब तक करते रहना होगा ये, जब तक आपकी बजिंग ठीक नहीं हो जाती। तो होपफुली इसकी ठीक हो गई होगी, मैं आपको ट्यूनिंग करके दिखा देता हूँ। तो हमने इस गिटार को अब ट्यून कर दिया है एंड अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सिक्स स्ट्रिंग पे बजिंग नहीं है, फिफ्थ पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है, थर्ड पे भी नहीं है। तो ऐसे करके सारे फ्रेट पे आप चेक कर लो। सो अभी ये जो गिटार है पूरी तरीके से फिट है, इसके किसी भी फ्रेट पे एंड ओपन भी कोई जो पहले इसमें जारिंग आ रही थी वो नहीं आ रही है, अब जो बजिंग आ रही थी तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ स्टेप फॉलो करके एंड आप अपनी बजिंग, जो प्रॉब्लम, जो भी जारिंग की प्रॉब्लम आपके गिटार में आ रही है उसको आप ठीक कर सकते हैं। एंड होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ज़रूर ये वर्क करेगी आपके लिए। एंड कमेंट में आप कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। एंड इस वीडियो के अलावा गॉम एग्जाम पे काफ़ी सारी सर्विसेज से रिगार्डिंग एंड अनबॉक्सिंग एंड गिटार के कुछ लेसन ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने गॉम एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी आप दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।